आज का टॉपिक है इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट। इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट्स। इसेंशियल इसलिए कहते हैं कि ये प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्लांट के डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल है। टोटल 17 एलिमेंट्स हैं जिसको कि हम इसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। टोटल इसेंशियल एलिमेंट को, इसेंशियल एलिमेंट को टू ग्रुप में बांटा गया है, मैक्रो एलिमेंट माइक्रो एलिमेंट। मैक्रो और माइक्रो इसलिए कहते हैं कि ये कंसंट्रेशन के हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है। हालांकि कुछ प्लांट में, एक प्लांट के लिए अगर मैक्रो एलिमेंट है तो वही एलिमेंट दूसरे प्लांट के लिए मैक्रो भी प्रूफ हुआ है। एक ब्रॉडली दो पार्ट में बांटा गया है, मैक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट। इसका कंसंट्रेशन 1 to 10 मिलीग्राम पर ग्राम है। इसका कंसंट्रेशन लेस देन 0.1 मिलीग्राम पर ग्राम है। मैक्रो एलिमेंट सेल्डम रीच टू टॉक्सिक लेवल, मतलब कितना भी इसका कंसंट्रेशन हो जाए ये टॉक्सिक नहीं होता है। माइक्रो एलिमेंट एक्सेस बिकम्स टॉक्सिक टू द प्लांट। जब एक्सेस लेंगे तो ये प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाता है। ये प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन टेक्स पार्ट इन प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन, यानी प्रोटोप्लाज्म के बनाने में ये हिस्सा लेता है। ये नॉट, इस तरह के एक शॉर्ट टेक्निक है जिससे कि हम इसेंशियल मैक्रो एलिमेंट को याद कर सकते हैं। जब इसेंशियल मैक्रो एलिमेंट याद हो जाएगा तो उसके अलावे जितना भी होगा वो मैक्रो एलिमेंट होगा। एक छोटा सा फॉर्मूला है कि कौन सिसोदिया की माँ का फोटो लाने में मेरा सपोर्ट करेगा, कौन सी से कार्बन, एच से हाइड्रोजन, सी से कार्बन, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन, एस आई से सिलिकॉन, एस ओ डी से सोडियम। हालांकि
ये बाद में इंक्लूड किया गया है दोनों एलिमेंट को, माँ से मैग्नीशियम, का से कैल्शियम, फो से फास्फोरस, सु से सल्फर, पोट से पोटेशियम। इसके अलावा भी टेक्निक डेवलप किया जा सकता है। इस तरह से अगर मैक्रो एलिमेंट याद हो जाएगा तो इसके अलावा जो भी होगा वो मैक्रो एलिमेंट होगा। तो एक छोटा सा टेक्निक है। जैसा कि मैंने कहा, मैक्रो न्यूट्रिएंट और एलिमेंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट वेरी प्लांट टू प्लांट। दैट इज वन एलिमेंट is micronutrient for one plant it may be micronutrient for other plant। मतलब एक एलिमेंट अगर एक प्लांट के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट है तो वही एलिमेंट दूसरे के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट भी हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। इसलिए एसेंशियल एलिमेंट को चार कैटेगरी में बांटा गया है। एसेंशियल एलिमेंट को ब्रॉडली चार टाइप में बांटा गया है, फोर कैटेगरीज, जिससे और मैटर क्लियर हो जाएगा। वन, कंपोनेंट ऑफ बायोमोलेक्यूल, यानी वो एलिमेंट जो बायोमोलिक्यूल का कंपोनेंट हो। इसका एग्जाम्पल है कॉर्न, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, इसका एग्जाम्पल है फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन। नेक्स्ट, एज इनहिबिटर, और एक्टिवेटर, इसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम आयन, जिंक आयन। है अल्टर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम आयन। अब इस पे से जो एलिमेंट को टू टाइप्स में बांटा गया है, एलिमेंट
whether it is essential or not. One is called mineral element, another is called non-mineral. एक को मिनरल कहते हैं, दूसरे को नॉन मिनरल कहते हैं. मिनरल उसे कहते हैं ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, यानी जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है. ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट. नॉन मिनरल ऑब्टेन्ड फ्रॉम CO2, वाटर एंड एयर, मतलब जो कि पानी से, हवा से या कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, उसको कहते हैं नॉन मिनरल एलिमेंट. अब कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीज हैं, प्लांट डिजीज, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट से होता है. जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम, इसकी मेन डिजीज है इंटर वीनल मॉटल. मेन दूसरा डिजीज मार्जिनल क्लोरोसिस, मार्जिनल क्लोरोसिस. तीसरा है नेक्रोसिस. मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाईबैक डिजीज. इसमें ये सब इम्पॉर्टेंट डिजीज है पोटेशियम डिफिशियंसी से. दूसरा है नाइट्रोजन, इसकी डिजीज है मॉटल्ड क्लोरोसिस. सल्फर, टी येलो डिजीज, यानी जो कि चाय की पत्ती को येलो कलर में कन्वर्ट कर देता है. इसके बाद है बोरॉन, बोरॉन में है हार्ट रॉट ऑफ सुगर केन. ब्राउन हार्ट ऑफ टर्निप. ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर फ्लावर. ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर. ड्राउट स्पॉट. Of apple, ये बोरॉन के इम्पॉर्टेंट. कॉपर कॉज समर डाईबैक, गर्मी के दिनों में. रिक्लेमेशन डिजीज, लीफ टिप डिजीज, एक्जेंथेमा, एक्जेंथेमा मीन्स स्प्लिटिंग
ऑफ ट्री बार्क, ट्री बार्क फट जाता है जिससे गोंद वगैरह निकलता है। और समर येलो बैक, येलो डाई बैक का मतलब होता है यंग लीफ फॉल डाउन, समर डाई बैक का मतलब होता है यंग लीफ फॉल डाउन। इस तरह से कॉपर की ये मेन मेन डिजीज है। इसके बाद जिंक ZN, लीफ रोजेटी, गुच्छा बनाता है, लिटिल लीफ डिसऑर्डर, छोटा लीफ होता है, व्हाइट बड डिसऑर्डर। मतलब बड व्हाइट कलर का हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है मैंगनीज का, मैंगनीज ग्रे स्पिक डिजीज, ग्रे स्पेक डिजीज। ये क्या होता है? ग्रीनिश ग्रे स्पॉट ऑन द लीफ, यानी पत्ती पर ग्रीनिश ग्रे कलर का स्पॉट धब्बा पड़ जाता है। मार्श स्पॉट डिजीज, इसमें क्या होता है? ब्राउन या ब्लैक स्पॉट ऑन कोटिलेडन, ब्राउन और ब्लैक स्पॉट ऑन कोटिलेडन, कोटिलेडन पर ब्राउन या ब्लैक कलर का स्पॉट आ जाता है। उसी तरह से ग्रे स्पॉट ऑन ओट, ये मैंगनीज की मेन डिजीज है। मोलिब्डेनम व्हिप टेल डिजीज, व्हिप टेल डिजीज इस तरह से ये है। अगर इसको शॉर्ट तौर पे देखा जाए तो ये नीट क्लास 11th एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।